बेटे अगर तुसी इस टॉपिक नू देख दे हो, इस टॉपिक दा बुक च नाम है एटमोसफेरिक स्टेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जिहड़ा तुहाडा सिलेबस है उहदे विच ये टॉपिक पिया होया जिसनू आपां कहिंदे आ वर्टिकल स्टेबिलिटी बेल्ट। क्योंकि बेटे तुहानूं पता हैगा कि जदों आपां ट्रोपोस्फीयर, स्टैटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आइनोस्फीयर वगैरह च उपर जांदे आ तो इमीडिएटली विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेंटीमीटर्स, मीटर की भी नहीं गल कर रहा मैं, किलोमीटर की भी नहीं गल कर रहा, सेंटीमीटर्स की गल कर रहा, जिहड़ा एटमोसफेयर है अबरप्ट बिहेवियर शो करता। फॉर एग्जाम्पल जे मैं सज्जे पासे नूं गया तो माइनस टेंपरेचर आ गया, जे मैं खब्बे पासे नूं थोड़ा जिहा गया तो बहुत ज़्यादा हाई टेंपरेचर प्लस दे विच आ गया। सो ये सारा कुछ डिपेंड करता एटमोसफेयर की स्टेबिलिटी ते एडियाबैटिक लैप्स रेट ते। बेटे बहुत ईजी है समझना इस नूं, ध्यान नाल मेरी गल सुनो। लैप्स रेट हुंदा की है? लैप्स रेट उही चीज़ है जिहड़ी मैं थोनू हुण दसी है। आपां जिवें कहिंदे आ यार तेरा जिहड़ा सुभाअ पल पल बदलदा, सो उही एक लैप्स रेट है। लैप्स रेट डिपेंड अपॉन दी चेंज ऑफ एम्बियंट टेंपरेचर विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बेटे हाइट है, तुसी उपर जाते हो तुहानू पता है जिवें कि मैं तुहानू दस्सिया हैगा कि टेंपरेचर जिहड़ा हैगा अबरप्ट बिहेवियर शो करता है। ताइयों जदों भी एयरक्राफ्ट बनाए जाते ने, सैटेलाइट्स बनाए जाते ने, वह एज ए मटीरियल दे बनाए जाते ने जिहड़े हाई टेंपरेचर नू भी विदस्टैंड कर ले सह जावे ते माइनस दे टेंपरेचर नू भी वह बर्दाश्त कर ले। सो हुण लैप्स रेट दे बारे आपां जानदे हां। सब तो पहला तो कुछ शब्द ने जिहड़े कि तुसी समझने ने। पहला शब्द है न्यूट्रल स्टेबल। जदों भी कुछ एनवायरमेंटलिस्ट नू कोई पुछदा है हुण उपरला की माहौल है, वह कहिंदा है आ अन्ने किलोमीटर दे विच, अन्ने किलोमीटर जिवें 200 तो 250 किलोमीटर उपर न्यूट्रल स्टेबल है। न्यूट्रल स्टेबल का मतलब की है? जदों एनवायरमेंटल लैप्स रेट ते ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट सेम हो जाए, जिहड़ी नमी है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट अगर वो सेम हो जाए तद आपा एटमोसफेयर नू न्यूट्रली स्टेबल कहते हैं। और अगर ELR मीनस इनवायरमेंटल लैप्स रेट DALR तो, DALR मतलब ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट तो ज़्यादा हो जाए तद ये सुपर एडियाबैटिक हो जाता है। तो सुपर एडियाबैटिक जड़ा हैगा वो अन्ना ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है कि बड़िया टर्बुलेंट फोर्सेस उसनू कंट्रोल करन दे विच लगदी है। आपां कहिंदे आ कि हुण पूरा माहौल खराब है, सुपर एडियाबैटिक प्रोसैस फॉर्म हो रहा है। और जिहड़ी थर्ड कंडीशन वर्टिकल स्टेबिलिटी दी आंदी है, अगर ELR रेट लैस हो जाए DALR तो तद वो सब एडियाबैटिक बन जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा माइनस दे विच टेंपरेचर ते बहुत शांत DALR कंसीडर हो जाता है। और नतीजा की होंदा है कि ये जिहड़ियां चेंजेस हैगियां वर्टिकल स्टेबिलिटी दियां ये पल पल ते चेंज होंदी है। इसी करके जदों एयरक्राफ्ट उपर जाते ने बड़े तरीके दे नाल डिज़ाइन किए जाते ने कि कई बार उन्होंने बहुत ज़्यादा अबरप्ट प्रेशर तो बेटे चलो जीरो ही होंगे उपर, अबरप्ट टेंपरेचर मेनटेन करना पैंदा है एयरक्राफ्ट नू बचन दे लई। क्योंकि जिमें देखो आपा गर्मियां दे विच की करते हैं, आपा गर्मियां दे विच पानी ज़्यादा पींदे हैं ताकि अपना जिहड़ा वाटर लॉस
हीट करके होया वो घट सके। तो सर्दियों के आप गर्म कपड़े पाते हैं ताकि अपने शरीर तो गर्मी बाहर ना निकले, तो आपने बॉडी का टैंपरेचर मेनटेन करके रखते हैं। सिमिलरली एयरक्राफ्ट जड़ा हैगा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर चला गया हैगा जिथे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उत्थे पता नहीं कद की हो जाए माइनस टैंपरेचर आ जाए या प्लस दे विच आ जाए, तो बेटे इसनू वर्टिकल स्टेबिलिटी दे बारे किया जाता है। जे थोनू पेपर च 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाए वर्टिकल स्टेबिलिटी की हुंदी है एटमोसफेयर की, तद तुसी ए जड़ियां गल्लां हैगियां ए तीनों पॉइंट इसनू एक्सप्लेन कर देना कि अगर ELR DALR तो बराबर हो जाए तद वो न्यूट्रल है, और अगर ELR DALR तो ज़्यादा हो जाए तो सुपर एडियाबैटिक है, और अगर ELR लैस हो जाए DALR तो ता वो सब एडियाबैटिक है। सो आज दा तोड़ा ये टॉपिक है जो कि तुसी इनू लिख लेना है, दैट इज़ एडियाबैटिक स्टेबिलिटी ऑफ एटमोसफेयर और वर्टिकल स्टेबिलिटी और एटमोसफेरिक स्टेबिलिटी। कई नाम ने इस दे, घबराना नहीं, नाम मतलब इक्को ही है इन्हां दे। सो तुसी इसनू अच्छी तरह लिख लो, ते नाल हीट बजट, पुराने पेपर देखो हीट बजट कई बार आया हैगा, तो ये भी काफ़ी समझन वाला टॉपिक है।